नमस्कार दोस्तों, आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ पर बात करेंगे। ये है, द इंडियन एक्सप्रेस में आज एक न्यूज़ आई है जिसमें कहा गया है एक गे कपल ने शादी करी है कलकत्ता में, और ये लाइन भी बोली है, लव ऑलवेज विन, यानी प्रेम की हमेशा विजय होती है। अब ये प्रेम पति पत्नी के बीच में हो, महिला पुरुष के बीच में हो, या ये प्रेम दो पुरुषों के बीच में हो, यानी गाय मैरिज हो, लेकिन आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने एक सोलोगामी पर एक वीडियो बनाया था, तो उसके बाद अब ये गाय मैरिज आ गई है। तो देखिए, सीधी सी बात है कि अब ऐसा लग रहा है कि देश में इन विषयों पर, ये जो टैबू विषय हैं, इन पर भी अब खुल के बातचीत होना आरंभ हो गई है, और लोग अब इन पर ना सिर्फ बातचीत कर रहे हैं बल्कि एक्ट करने में भी पीछे नहीं हट रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए, न्यूज़ ये है कि अभी हाल में ही कलकत्ता में चेतन शर्मा और अभिषेक राय नाम के दो जो गे कपल हैं, इन्होंने शादी कर ली है, और 3 तारीख को, और बहुत सारी शादियों से जुड़ी रस्म भी इन्होंने निभाई है और उसे भी शेयर किया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनकी जो शादी हुई है, इनकी शादी में पूरा इनका परिवार, दोनों के पूरे परिवार ना सिर्फ शामिल हुए बल्कि जो रस्में निभाई गई वो भी पति पत्नी जैसी, जो महिला पुरुष की शादी होती है उसी तरह से इन पूरी रस्मों को निभाया गया। यानी इन विषयों पर अब आने वाले समय में आपको, और आने वाले टाइम में भी बहुत सारी, मुझे लगता है, शादी रस्म या लोग ओपन होकर इस विषय पर बातचीत ना सिर्फ करेंगे बल्कि आपको घूमते हुए भी लोग दिखेंगे, और इस पर अब मुझे लगता है थोड़ा खुलापन भारत में आता हुआ दिख रहा है। देखिए, इसका अच्छा पूरा जो पक्ष है, जो इसके सांस्कृतिक पक्ष है, वो सब एक अलग मैटर है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि ये जो चीज़ शुरू हो गई उसकी जानकारी आपको दी जाए। तो देखिए, ऐसा है कि ये जो कपल है, ये अभिषेक राय, अभिषेक जो कपल है, बेसिकली चेतन शर्मा और अभिषेक रॉय है, तो ये इनकी फ़ोटो है, ये परिवार के सदस्य हैं, ये इनकी मेहंदी जो हल्दी रस्म है उसकी फ़ोटो है, और इसके अलावा इस फेस्टिवल, ये लोग तो वैसे शादी पिछले वर्ष करना चाह रहे थे लेकिन कोविड की वजह से इन्होंने जुलाई तक अपनी शादी को पोस्टपोन किया था, और फाइनली अब इनकी शादी हुई है, शादी से जुड़ी रस्में हुई हैं, पूरे परिवार इसमें शामिल हुए हैं दोनों। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दोनों परिवारों ने पूरी रस्म अदायगी में ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि इस तरह से एक्ट किया जैसे वो पति पत्नी के रूप में, यानी महिला पुरुष के रूप में जितनी भी रस्में होती हैं सारी रस्मों को निभाया गया, और वो दोनों भी काफ़ी खुश थे, चेतन शर्मा और अभिषेक रॉय वो भी काफ़ी खुश रहे इस पूरे में। अब आने वाले समय में जिस तरह से LGBT कम्युनिटी से जुड़ी हुई भारत में बहुत सारे दावे वादे और इस को लेकर आवाज़ें उठाई जा रही हैं, तो आने वाले टाइम मुझे लगता है इस पर भी चर्चा होने ही वाली। तो ये बेसिकली एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने ये आपके साथ की। आने वाले समय में आपको निश्चित है इस पर और भी बहुत सारे अपडेट मिलते रहेंगे, बहुत सारे इससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ भारत में भी मिलेंगी। धन्यवाद।